वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग, नई दिन की नई शुरुआत के साथ। और मैं रक्षा पांडे स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों, दिन के 1 बजे से। और अभी मेरे ब्लॉगिंग शुरू हो रहा है मेरे ऊपर वाले रूम से। और जैसे कि मैं अपने ऊपर वाले रूम में बैठी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऊपर वाले रूम में तभी रहती हूँ जब मैं खाना बनाती रहती हूँ। तो अभी मैंने खाना बनाने के लिए गैस पर रखा हुआ है, और आज मैं खाने में बना रही हूँ क्या दले चने का फाड़ू और चावल। और अभी फ़िलहाल तो हस्बैंड जी नहीं आए खाना खाने के लिए, तो वो अभी आएंगे, बोल रहे थे, कॉल किया था अभी कि आएंगे। तो अभी मैंने चावल वगैरह सब भिगा के रख दिए हैं, और मेरा फाड़ू भी ऑलमोस्ट बन ही गया है। मैं अभी जाके चेक करती हूँ, क्योंकि अभी चेक किया था तो नहीं बना था। तो अभी फ़िलहाल आज का मौसम भी देख लीजिए आप लोग हमारा, ये देखिए सिर्फ बादल ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे बादल लगते हैं और फिर से धूप आ जाती है। सुबह आज मैं खेत में थोड़ा सा गई थी, तो मतलब आज मैं खेत में हाँ सुबह गई थी सुबह के टाइम पे, तो इतना मतलब पहले तो उससे पहले तो पानी आया, ठीक 6:30 बजे पर पानी आ गया था सुबह। तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो पानी भरने में लगा, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा बारीक आता है हमारे यहाँ। और परिवार ज़्यादा है तो होता रहता है कि एक बोलता है मुझे भरने दे, एक बोलता है मुझे भरने दे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है पानी भरने में। लेकिन मैं पानी भरने के बाद थोड़ा सा चली गई थी, लेकिन उसके बाद जो धूप लगी है वहाँ पे मुझे तो एकदम चक्कर आने लगे थे, तो मैं तो सीधा घर पे आ गई। तो घर पे आने के बाद मैंने काम वगैरह ख़त्म किया, और काम वगैरह ख़त्म करने के बाद पानी वगैरह लाई, और उसके बाद हस्बैंड जी भी मेरे चले गए थे नाश्ता वगैरह करके। तो फिलहाल तो अभी मैं सोच रही थी कि दोबारा से जाऊँ अभी खेत में, लेकिन नहीं अभी नहीं जाती, क्योंकि धूप आ रही है और जा रही है। तो अब सीधा मैं शाम को जाऊँगी। तो शाम को आज मेरे साथ काफ़ी बच्चे होंगे, क्योंकि आज संडे है, तो संडे के टाइम पे आज बच्चे घर पे हैं, तो बोल रहे थे कि चाची चलेंगे हम लोग आपके साथ। तो अभी तो वो तो सुबह के टाइम भी बोलते, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं आप अभी तुम लोग रहने दो, मैं ही जाती हूँ, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि आजकल ना इस गाजर घास से जो गर्मी वगैरह हो रही है, क्योंकि बारिश तो हमारे यहाँ पड़ नहीं रही, तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं लोग, बुखार वगैरह आ रहा है। तो इस वजह से मैंने बच्चों को बोला तुम रहने दो। तो अभी फ़िलहाल शाम को फिर से जाऊंगी, तो वहाँ का ब्लॉग में शूट करूंगी। तो दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को मैंने अपना खेत दिखाया था ना, तो जो मैं कर रही हूँ तो वो ना मैं अकेले ही कर रही हूँ, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरे साथ नहीं है। खुद से ही घास साफ़ कर रही हूँ, गाजर घास जो होती है जिसको फुलारी बोलते हैं गढ़वाली में, तो उस गाजर घास को खुद ही साफ़ कर रही हूँ, खुद ही झाड़ियाँ काट रही हूँ, जितना हो सक रहा है कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि चलो खेत कर लेती हूँ इस बार, फर्स्ट बार कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल मेरे साथ जी ने किया था, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी, मैं मायके गई हुई थी। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ जी यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ, साथ जी नहीं है तो मैं ही कर लेती हूँ। तो सही लगता है ऐसे में, क्योंकि ज़मीन को बंजर रखना भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलो जितना हो पाएगा कर लूँगी, जितना हो सकेगा कर लूँगी, कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। बट हो सकता हाँ शायद मेरे सास जी भी आ जाएं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं आऊँगी 1-2 तारीख को। तो देखते हैं, उनके आने से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर बाय द वे 1-2 तारीख नहीं आ पाए तो कोई नहीं, मैं खुद कर लूँगी, खुद से ही कर लूँगी जो भी है, ताकि जब मेरे सास जी घर आए तो सरप्राइज़ हो जाए कि अरे वाह मेरी बहू तो बहुत काम की निकली। तो मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ कि उनके आने से पहले पहले मैं वहाँ पर बुआई का काम कर दूँ। तो बुआई का काम तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि खेत तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा साफ़ कर ही दिया है, बस थोड़ा सा रह गया है, तो आज शाम को पूरा हो जाएगा, आज शाम को पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं हल वाले को जो हल लगाते हैं उनसे बोल दूंगी कि 2-3 दिन में मेरे यहाँ पे भी लगा देना हल। तो आज जैसे वो साफ़ हो जाएगा, तो अगर आज वो पूरा साफ़ हो गया खेत, तो मैं कल हल लगवा दूंगी, कल के लिए बोल दूंगी। अगर कल नहीं आ पाए तो परसों लगा देंगे। तो कोशिश जारी है, कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, बस मेहनत करते रहो। तो करने से दोस्तों सब कुछ होता है, नहीं बोलने वाली बात होती है कि हमसे नहीं होता, हमारी बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर दिल में एक बार किसी चीज़ के लिए ठान लो ना कि हमें ये काम करना है, तो वो होके रहता है। तो इसलिए मैंने ठान रखी है कि मैं करके रहूँगी इस बार। तो चलिए देखते हैं जो होता है, देखी जाएगी, बीमार पड़ूंगी जो भी होगा। हस्बैंड जी की तो रोज़ डांट खा रही हूँ, गालियाँ खा रही हूँ कि क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, बीमार पड़ जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, इस बार कर लेते हैं। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ किचन की ओर, देखती हूँ मेरा जो साग बनाने के लिए रखा हुआ है वो कितना बना हुआ है, पता चल रहा। मैं आप लोगों से बातें करते करते वहाँ मेरा खाना ही जल गया, तो चलिए चलते हैं। तो चलते हैं। मेरे ना दोस्तों खेत में जा जा के कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मैं ना कमर सीधी नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तो हाथ लगा के चल रही हूँ। तो ये देखिए ये भी बन चुका है, बन चुका है, वो तो अच्छा मैंने देख दिया ना, इसका तो बन जाता एकदम आमलेट भूख के। तो ये
यहाँ पे मेरा फार्म बन चुका है क्योंकि मैंने कम ही बनाया, क्योंकि दो जनों के लिए होता है तो ज्यादा बना के कोई फायदा नहीं है, तो फिर थोड़ा ही बनाया था तो काफी हो जाता है हम लोगों के लिए। और इस प्रेशर पे मैंने कुकर पे मैंने चावल भिगा कर रख दिए थे साफ सूफ करके। तो देखिए मैंने आज ना अपने डब्बे, आज नहीं सॉरी कल अपने डब्बे धुले थे मैंने, मतलब हफ्ते हफ्ते मेरे को धोती रहती हूँ तो चमक आ रखे हैं उन पर, क्योंकि ना इन पर चिपचिपापन आ जाता है क्योंकि गैस पे ठीक जस्ट ऊपर है ना ये, तो तेल वगैरह का जो होता है ना उसे चिपचिपाहट आ जाती है उसमें। तो हफ्ते हफ्ते में, हफ्ते 15 दिन, हफ्ते 10 दिनों में करती रहती हूँ या फिर ज़्यादा 15 दिन में करती रहती हूँ। तो चलिए अभी फिलहाल चावल बनाने के लिए रख देते हैं और हस्बैंड जी भी मेरे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं पहले फटाफट से फिर से मेरा वही डायलॉग, तो मैं पहले ना खाना बना लेती हूँ और खाना वाना बना के फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे शाम को हाँ खेत में जब जाऊँगी तो मैं आज आप लोगों के साथ जरूर मतलब शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने अकेले ने खुद से कितना सारा साफ कर दिया। सफाई से तो बनती है वही, क्योंकि लाइफ में पहली बार कर रही हूँ क्योंकि कभी किया नहीं था, कभी हमने देखा नहीं था, तो बस ये है कि यहाँ आके जैसा देश वैसा भेष वाली कहानी हो गई है। तो अब जब मुझे मेरी शादी गांव में हो गई है तो रहना हमेशा मुझे गांव में ही है, तो वो तो भविष्य की बात है कि कभी बाहर चले गए हस्बैंड जी के साथ जॉब वगैरह का जो भी कुछ होगा तो आगे पता नहीं क्या होता है, भगवान वो तो भगवान को ही पता होगा। तो फिलहाल तो हमें अभी गाँव में ही रहना है, तो गाँव में जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है क्योंकि खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। यहाँ मतलब खाली बैठने का मतलब होता है कि एक दूसरे की ये जो चुगली चगली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इन सब चीज़ों से अच्छा मैं काम में व्यस्त रहना पसंद करती हूँ, तो फिलहाल इसीलिए मैं खुद में ही मगन रहती हूँ। तो चलिए मैं पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक आप लोग पूरा ब्लॉग देखना और ऐसे ही बने रहे, स्किप मत करना। तो गाइस देखिए कितना सारा हमने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पे सारी घास पड़ी हुई है और ये मैंने मतलब सूख जाएगी तो इसको एक जगह इकट्ठा करना है, फिर उसके तरह आग लगाने से पीछे जला रखा है और परसों से या तरसों से यहाँ पे हमारा हलक जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग ये घास को मैं इकट्ठा करूँ, कुछ मैं फेंकूँगी उठा के जो कि बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पीछे का भी देख लीजिए आप लोग, उन्हें दिखा वक्त जब चला तो वो देखिए वहाँ पर वहाँ से स्टार्ट किया था गाइस मैंने, तो वहाँ से स्टार्ट किया था कौन ऐसे जहाँ मेरे पति जी झाड़ियाँ काट रहे हैं। तो अभी तो यहाँ इतना मैंने अकेले और मेरे साथ इन दोनों मेरी भतीजों ने पूरा किया टास्क, इनको मैं मोमो पार्टी दूंगी, इन्होंने बोला था मास्टर चाची मोमो पार्टी करेंगी छूम देना, तो ठीक है दूंगी, अब इनको कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी घर की तरफ, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, फिलहाल मैं पहले इसको फटाफट से कर लेती हूँ सही। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और मैं मिल रही हूँ आप सबको, मैं मिल रही हूँ आप लोगों को फिर से एकदम ठीक शाम को, शाम को मिल रही हूँ दिन का खाना वाना खाने के बाद, मैं सो गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ आई हूँ अपने खेत में, देखो फिर से अपने खेत में है, मेरे साथ ये दोनों थे, ये तो खैर अभी आए पति जी जी, और फाइनली मैंने अपना पूरा खेत पूरा कर दिया वो देखिए, वो वहाँ से शुरू किया था मैंने उसको कोने से और ये देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया है, फाइनली मेहनत रंग लाई वहाँ तक कर दिया। और यहाँ पे मैंने मतलब घास को मतलब सुखाने के लिए डाल रखा है, तो वो भी थोड़ा सूख रहा है तो मैंने यहाँ वो जलने लगा है, तो हाथ देखिए हाथों की हालत देखिए। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम लोग घर की तरफ, हालत देखिए कैसी हो गई है। तो मुझे ये मेरी वो मतलब भतीजी मुझे बैक कैमरे से दिखाएगी हमारा खेत की कितना सारा मतलब हमने किया है, तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। बोल बोलना तो बोलेगी। काम ख़त्म करने के बाद अपना खेत वगैरह कर करने के बाद मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद फिर मुंह हाथ धुला, उसके बाद नहीं मुंह हाथ नहीं सॉरी सीधा पूरा नहाई, क्योंकि पूरी मिट्टी मिट्टी पूरे कपड़ों में चली गई थी और बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, पता नहीं वो घास है ना बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इतनी हालत खराब हो रही थी खुजा के, मतलब क्या मच्छर भी काट रहे थे और पता नहीं क्या जीप से पंछी काट रहे थे, तो पूरी बॉडी में मुझे खुजली हो रही थी। तो उसके बाद मैं आके नहा गई थी, तो नहाने के बाद मैंने अपना पूजा वगैरह की, पूजा वगैरह करने के बाद चाय बनाई, चाय चुई बनाने के बाद फिर मैं मेरे हस्बैंड जी अभी नीचे गधेरे मत गए थे, मतलब पानी लेके आए एक डब्बा और दुकान से सामान लेके आए, और अभी मैं आके बैठी हूँ, आए हुए मतलब काफ़ी 10-15 मिनट हो गया है। तो फिलहाल जो मेरा थोड़ा टास्क था दोस्तों खेत का, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया फाइनली। कहते हैं कि कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, मैंने मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं इतनी घास उखाड़ पाऊँगी, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो रखी थी उस खेत की कि क्या कहने, पता ही नहीं चल रहा था कि खेत कहाँ है, मतलब इंसान से बड़े बड़े वो गाजर घास हो रखी थी उसमें,
बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रही थी बीच बीच में जाने पे, लेकिन मैं तो फिर भी हिम्मत करके देखी जाएगी जो भी है। तो आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है अपना खेत का टास्क। अभी मुझे उसमें क्या करना है, अभी कल जाके मैंने जो मतलब घास सुखाने के लिए डाल रखी है उसको जला दूंगी, क्योंकि सूखने के बाद पूरा जल जाएगा। जितना जलेगा तो ठीक है, वरना बाकी उठाकर साइड में कहीं फेंक दूंगी, रख दूंगी उसको। और तो कल का मेरा इतना ही काम रहेगा। सो झाड़ी वगैरह जो थी, जो साइड साइड में जो होता है ना बिट्ठे बोलते जिसको, तो उस पर जो थोड़ा बहुत लालटेन वगैरह है तो वो मैंने थोड़ा बहुत उससे दराती से काट दिया था, थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था और इन्होंने भी कर दिया था। तो फिलहाल तो कल का मेरा यही काम है, कल ज़्यादा काम नहीं है। तो कल ये खेत का बाकी निपटाने के बाद मैं हल वाले को, हल वाले जो हल लगाते हैं उनसे बोल दूँगी कि आप लोग हमारे यहाँ पे आके हल लगा देना। फिर उसके बाद हल वगैरह लगाने के बाद देखते हैं आगे की प्रोसेस फिर क्या होता है। वो हल लगाने के बाद वो बोएंगे, जो भी मैं बो रही होंगी गौत दाल जो भी मुझे बोना होगा, तो वो जो हल लगाते हैं वही बोते हैं साथ साथ, हल के साथ साथ। और उसके बाद जो ऊपर की जो घास है, अभी तो मैंने खैर गाजर घास भी उखाड़ी है ना, लेकिन जो नीचे की घास है वो नहीं साफ किया, क्योंकि पहले तो मुझे गाजर घास उखाड़ना था, क्योंकि हल लगने के बाद ना वो जो घास है पूरी ऊपर आ जाएगी तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, फटफट हम फेंक पाएंगे कुटले से साफ कर करके कुदाल से। तो अभी तो फिलहाल ये तो कल या परसों में मेरा खेती का काम पूरा हो जाएगा, मैं मतलब जो बुआई का कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छा लग रहा है करके, क्योंकि कभी किया नहीं था तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि दिन भर ना ऐसा होता है कि शरीर एकदम खुला खुला सा हो जाता है काम करने से, थकान तो बहुत हो रही है। अभी मेरे मतलब सुबह उठ के मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं सीधा नहीं कर पाती। तो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा वो भी। तो फिलहाल मेरा कल का वही काम था। तो चलिए दोस्तों, करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। बहुत आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं कितनी थक रखी हूँ। और अभी मैंने खाना बनाना बाकी है, खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद फिर अपना खाना वाना बर्तन वगैरह धुल के फिर अपना जो भी है सो जाऊंगी। और फिर जब मैं कल जाऊंगी खेत में तो आपको फिर नए दिखाऊंगी आपकी कल मैंने क्या क्या काम कंप्लीट किया। तो उसके लिए कल का मेरा पूरा ब्लॉग देखना। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे भी आगे बढ़ाना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कोई भी दोस्तों अगर ब्लॉग कोई अगर यूट्यूब पर आता है तो ऐसा ही नहीं आता है, या तो उसको पैसों की प्रॉब्लम होती है या तो फिर कोई फेमस होने के लिए आता है। तो यही है जो भी है मतलब, तो फेमस तो मुझे होना नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये है कि सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ आपको कल अपने नए दिन की नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय माता दी।